तो आज जिस बिजनेस की हम बात करने वाले हैं वो है फूलों का बिजनेस। फूल हर कहीं यूज होते हैं, चाहे वो रोमांटिक शाम की बात हो, चाहे वो मंदिर में पूजा की बात हो, कोई फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, हर जगह फूलों का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ऐसे में फूलों का बिजनेस शुरू करना आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे सकता है। और शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़े, क्योंकि फूलों के साथ प्रॉब्लम होती है कि जल्दी मुरझा जाते हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। तो कौन से ऐसे फूल हैं, कैसे आप बिजनेस शुरू करें, कैसे जगह का चयन करें, तमाम बातें देखिए। फूलों का बिजनेस शुरू करके करें लाखों की कमाई। वैलेंटाइन डे आ रहा है, हर व्यक्ति अपनों को फूलों का उपहार देना बेहद पसंद करता है। अपने चाहने वालों को प्यार भरे गुलाबी मौसम में फूलों का बुके दिए जाना रोमांटिक माहौल बनाता है, और ये प्यार का इजहार करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। सच कहें तो फूल हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, शादी उत्सव, रोमांटिक शाम हो या फिर अन्य सजावट में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यदि आप फूलों का व्यापार करने का सोचते हैं तो ये बेहद अच्छा विकल्प है। ऐसे शुरू करें फूलों का बिजनेस। जब हम किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं, और कहीं ना कहीं डर भी होता है, तो कहीं बिजनेस ना चले तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही इस बिजनेस को शुरू करने से पहले होता है। इस बिजनेस को करने में जो डर लोगों को सताता है वो है फूलों का मुरझा जाना। जी हाँ, डाली से टूटे फूल कुछ ही घंटे में या फिर एक दो दिन में मुरझा जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में डर रहता है कि इस बिजनेस को करने में उन्हें घाटा ना हो। देखा जाए तो ये डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि डाली से टूटे फूल कुछ घंटों और दिनों में मुरझा जाते हैं, और एक बार मुरझाने के बाद शायद ही उन्हें कोई खरीदेगा। इसी कारण फूलों का बिजनेस हर तरह के व्यक्तियों की पहुंच तक है। लेकिन इसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए अधिक परिश्रम और नए नए प्रयासों के अलावा व्यवहारिक रणनीति की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह की प्लानिंग के साथ आप निवेश यानी 20 से 30 हजार तक शुरू कर सकते हैं। अच्छे सप्लायर का चयन करें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे आवश्यक है एक अच्छा सप्लायर ढूंढना, जो आपको अच्छे दामों में फूल प्रोवाइड करा सके। ध्यान रखें, सप्लायर आप अपने एरिया का ही ढूंढें, यानी कि आप जिस जगह दुकान खोल रहे हैं उस जगह की ही सप्लायर ढूंढें, जिससे वो आपके नज़दीक भी हो और इससे माल लेने में आसानी हो। सप्लायर पास में रहने का फायदा ये होता है कि आपको हर रोज ताज़े फूल मिलते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही फूल ले सकते हैं। यदि सप्लायर दूर हुआ तो वो आपको एक साथ फूल लेने को कहेगा, इससे आपके फूल का मुरझाना तय हो जाता है। हर रोज सप्लायर आ सके ये भी निश्चित नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी वो किसी वजह से आपकी दुकान तक लंबा सफर तय करके ना आ पाया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमेशा प्रेफर किया जाता है कि सप्लायर आपके एरिया का हो। यदि आप ऐसी जगह शॉप खोल रहे हैं जिस जगह के आसपास फूलों की खेती होती है, तो आप सीधे किसानों से संपर्क कर सकते हैं जो ये क्षेत्र में फूलों की बागवानी कर फूल बेचता है। याद रखें, एक सफल बिजनेस के लिए विश्वसनीय सप्लायर बेहद आवश्यक है। वैसे व्यापारी चाहे तो अपने एरिया की फूलों की मंडी में जाकर भी थोक में फूल खरीद सकता है, फिर उसे अपने हिसाब से गुलदस्ते में या माला में परिवर्तित कर बेच सकता है। इससे भी बहुत अधिक मुनाफा होगा। बिजनेस के लिए सही जगह का चयन। यूं तो फूलों की दुकान किसी भी स्थानीय बाजार में खोली जा सकती है, लेकिन फूलों की दुकान के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है किसी धार्मिक स्थल के बाहर, कोई ऐसी जगह जो फूलों के लिए प्रसिद्ध हो। ध्यान दें, यदि आप एक छोटी दुकान खोल रहे हैं तो दुकान धार्मिक स्थलों के बाहर या उस गली में हो। यदि आप एक बड़ी दुकान खोल रहे हैं तो दुकान का चयन ये देखकर करें कि हर तरह के लोग आपकी शॉप पर आ सकें, धार्मिक स्थल के आसपास और किसी अच्छे इलाके में हो, जिससे लोगों की आपकी शॉप पर नजर पड़ती रहे। इस बिजनेस को करने का तरीका, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग मंदिर के गेट पर या बाहर फूलों की दुकान लगाए बैठे होते हैं, वहीं से वो अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। इतना ही नहीं, आप इस बिजनेस को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। घर से बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक कमरे की आवश्यकता होगी, जहां से आप बुके बनाकर बेच सकें। आप अपने घर की शॉप को ऑनलाइन भी लेकर जा सकते हैं, जहां से लोग आपकी शॉप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। बस आपको डोर टू डोर डिलीवरी समय पर करना होगा। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस और डिलीवरी की टाइमिंग अच्छी हो तो लोग बेहद पसंद करते हैं, बल्कि वो आपके बिजनेस का खुद ही प्रमोशन करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि फूलों के बिजनेस में कलात्मकता भी अपना एक अहम किरदार प्ले करती है, यानी कि यदि आप बहुत कलात्मक डिजाइन में फूलों का गुलदस्ता बना सकते हैं, फूलों की सजावट कर सकते हैं, तो ये आपके बिजनेस की सफलता में अहम योगदान दे सकता है। साथ ही आपको फूलों को बांधने की कला सीखनी पड़ती है। एक बार आप फूल बांधना सीख गए तो इसके बाद आपको अन्य डिजाइन भी आने लगेंगे। डिजाइन जितनी बेहतर होगी, गुलदस्ता उतना ही अधिक कीमत पर बिकेगा। इस तरह से इस बिजनेस की खासियत है, आप इस बिजनेस को कहीं भी शुरू कर सकते हैं। दुकान को फूलों से सजाएं। आपने एक बार बिजनेस का तरीका समझ लिया, दुकान किस जगह होगी उस लोकेशन का चयन भी कर लिया, अब बारी आती है दुकान को डेकोरेट करने की।
कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। दुकान को इस तरह से सजाएं जिससे लोगों को दूर से ही पता चल सके कि यहाँ फूलों की दुकान है। इससे दुकान की सजावट लोगों को आकर्षित करेगी। हालांकि फूलों से दुकान सजाना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं और प्रतिदिन फूलों को बदल बदल कर लगाना महंगा पड़ेगा। इसलिए आप आर्टिफिशियल फूलों की मदद ले सकते हैं। आर्टिफिशियल फूलों से अपनी दुकान को सजा सकते हैं। गुलदस्तों की डिजाइन और फूलों की पैकेजिंग कला सीखें। बिजनेस शुरू करने से पहले गुलदस्तों की डिजाइन और फूलों की पैकेजिंग की कला अवश्य सीख लें। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी पैकेजिंग और डिजाइनिंग करेंगे, उतना ही अच्छा आपका व्यापार चलेगा। शादी ब्याह में भी ऑर्डर लें। शादी ब्याह, पूजा और सांस्कृतिक समारोह में फूलों के ऑर्डर दिए जाते हैं, तो आप भी ऑर्डर को लेना शुरू कर दें। इसके अलावा आप फूलों का बिजनेस किसी पार्टी या शादी में होने वाले डेकोरेशन के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे मौके में सजावट के लिए फूलों की काफी जरूरत होती है, साथ ही अलग अलग फूलों की डिमांड होती है, जैसे गुलाब, गेंदा और ऑर्बिट के फूल। इन फूलों का ऑर्डर काफी ज्यादा किया जाता है, काफी मुनाफे वाला होता है, तो आप भी ऐसे कई ऑर्डर ले सकते हैं। साथ ही आपको अच्छी खासी इनकम भी होती है। जितना फूल आपको बेचना हो मार्केट से उतना ही फूल उठाएं, क्योंकि बासी फूलों की डिमांड कम होती है और ये खराब भी हो जाते हैं, जिससे आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा। फूलों की दुकान में व्यापार की कुल लागत। फूलों के व्यापार को शुरू करने के लिए न्यूनतम 20,000 से 30,000 रुपए की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो ये व्यापार बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं। आप यदि फूलों को बेचने के लिए शोरूम खोलना चाहते हैं तो लागत 3 से 4 लाख रुपए तक जा सकती है, जिसके अंतर्गत आप फर्नीचर, इंटीरियर आदि हल्के फुल्के काम करा सकते हैं। हालांकि एक साधारण स्थान से ये व्यापार अधिकतम 20,000 रुपए तक शुरू में किया जा सकता है। यदि आप किराए पर दुकान लेते हैं तो जगह के हिसाब से वो दुकान के आकार के हिसाब से किराया आएगा। मान के चलिए 3 से 4 हजार तक आपको किराया देना पड़ सकता है, लेकिन ये तय है कि इस व्यापार में दुगना और तिगुना में बढ़त की कमाई हो सकती है। जैसे 1500 रुपए वाली माला आप 3,000 में आसानी से बेच सकते हैं। आप फूल मंडी से थोक के भाव में फूल खरीद कर उसके बुके, माला आदि बनाकर बेचें तो आपको दुगना तिगुना लाभ होगा। यदि आप खुदरे फूल पर 1,000 रुपए खर्च करते हैं तो आपको उन फूलों से माला अधिक बनाकर बेचने पर 2,500 से 3,000 तक का लाभ हो सकता है। ध्यान रखने योग्य बातें। आप इस व्यापार को आरंभ करने से पहले इस बात की पुष्टि कर लें कि आपको किसी भी तरह के फूल के सुगंध से एलर्जी ना हो, क्योंकि कई लोगों को कई तरह के फूलों से एलर्जी होती है। यदि आपको फूलों के सुगंध से किसी तरह की परेशानी है तो ये व्यापार शुरू करने से पहले सोच लें। फूलों का व्यापार करने के फायदे। ये व्यापार बेहद कम लागत में शुरू किया जा सकता है, जैसे कि 20,000 से 30,000 के अंदर। यदि आप इसे एक शोरूम की तरह खोलना चाहते हैं तो फिर आपको 3 से 4 लाख तक निवेश करना पड़ सकता है। देखा जाए तो अधिकतर बिजनेस को करने में कुछ ना कुछ तकनीकी योग्यता सीखनी होती है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए किसी तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बस आपको फूल की समझ होनी चाहिए और इनकी साज सज्जा आनी चाहिए। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पूरी आबादी के लिए होता है, यानी कि एक निम्न परिवार से लेकर लघु परिवार, मिडिल क्लास से लेकर हाई सोसाइटी तक के लोग फूलों का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी त्योहार हो या कोई भी समारोह, हर जगह फूलों की डिमांड रहती है। इस बिजनेस में आपकी थोड़ी सी मेहनत, लगन और सोच समझ आपको इस बिजनेस में कामयाब बना सकती है। इस बिजनेस में डबल ट्रिपल मुनाफा भी कमाया जा सकता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा बिजनेस करें, आपका बिजनेस जो है अच्छा सा फले फूले फूलों की तरह। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।